देश के अलग अलग राज्यों में लगातार युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अग्निपथ को लेकर लगातार युवाओं में गुस्सा देखा जा रहा है। अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर उग्र प्रदर्शन जो है वो भी युवाओं द्वारा किया जा रहा है। और इसी को लेकर लखनऊ में भी आपको बता दें कि अग्निपथ को लेकर जो युवा है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र सभा के जो अध्यक्ष हैं वंशज दुबे, उनसे हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी ने खास बातचीत की है, क्या कुछ दिखाते हैं। वंशराज दुबे मौजूद है, हम बात करते हैं। वंशराज, कंडे बेचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह? देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी का एक आपको याद हो कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो रहा, फिर 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हर साल 13 लाख नौकरी देंगे। 2019 में फिर नौजवानों ने उनको वोट दिया, लेकिन 2022 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद गोबर रोजगार योजना के तहत हम लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके पीछे की कहानी है कि 2014 से नरेंद्र मोदी जी जो तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे थे, उसमें हुआ यह कि जब तमाम सरकारी संपत्तियां नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दिया, कोल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, तो जब पूंजीपति मित्र नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचते हैं कि मोदी जी इनकी सुरक्षा कौन करेगा, तो दरिया दिल हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मित्रों परेशान मत हो, सेना के अंदर हम अग्निपथ योजना के तहत एक ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं जहां 7-4 साल के बाद आपको लाखों की संख्या में सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग की खर्चा सेना उठाएगी, उनके पीठ पे लात मारने का काम हमारी सरकार करेगी। वो एक ऐसी योजना है जहां पर आज नौजवान पूरे देश में सड़कों पर है। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि मोदी जी ये आपका कंडे वाला रोजगार क्या हुआ, आप तो हर बार देश के नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हो, उसके विरोध में प्रदर्शन। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं अग्निपथ योजना? सरकार से हमारी मांगे हैं कि आपने नोटबंदी किया, AC कमरे में बैठ के रात में आपको सपना आया, सुबह आपने नोटबंदी कर दी, रात में आपको सपना आया, आपने 3 काले कानून बना दिए किसानों के खिलाफ, रात में फिर आपको सपना आया, आपने देश के युवाओं को सड़क पे ला दिया। सरकार से मांगे है कि आप पूंजीपति मित्रों के हित में नहीं, देश के करोड़ों नौजवानों के हित में सोचिए, उनके बारे में सोचिए जो सुबह 4 बजे उठ के वर्जिश करते हैं, कई कई किलोमीटर की दौड़ करते हैं, 3 साल से सेना की कोई भर्ती नहीं आई, आपने उनको लात मारने का काम किया है, उनका एज ओवर हो गया है, उनका कौन माई बाप है, उन्होंने अपना घर बेच दिया, मकान बेच दिया, आप बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हो, जिसके पास कोई मकान ही नहीं है उसका क्या बुलडोजर गिलाओगे, लेकिन ये नौजवान है, ये नौजवान बैठेगा नहीं, आपका चूल्हा हिला देगा। बिल्कुल, ये वंशराज दुबे हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना था जो युवा है वो बैठेगा नहीं और ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। ये CYSS के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, साफ तौर से इन सब का कहना है कि जो अग्निपथ की योजना निकाली गई है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कैमरामैन सुरेश के साथ लखनऊ से सफी अहमद, KNews India।